मेटल मेटल बाई कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल बाय कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा एम ए एच सी ओ थ्री बी ये इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा मेटल बाई कार्बोनेट कहिए चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए बात एक ही होती है ठीक है ना तो अब अगर एसिड जो है मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आइए समझिए तो मेटल बाई कार्बोनेट प्लस असीड यानी कि एम ए एच जीरो थ्री हॉल बी प्लस एच एक्स ये सॉलिड फॉर्म में ये डाइल्यूट फॉर्म में सो so, रिएक्ट करेगा यहाँ भी वही होगा डी डी आर है यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज ही होता है ठीक है ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी आयन कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर यहाँ बनाएगा सॉल्ट एम एक्स सॉल्ट बनाएगा फिर यहाँ बनाएगा एस टू सीओ थ्री ये अनस्टेबल होता है तो ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा वाटर में और कार्बन डाई ऑक्साइड में वाटर में और कार्बन डाई ऑक्साइड में से ब्रेक कर लेगा एग्जाम्पल देखिए जैसे सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट एन एच सी ओ थ्री है ना अब ये इसको रिएक्ट करा रहे हैं एसिड से एस से डाइल्यूट एसिड हो गया ये कैसे रिएक्ट करेगा तो ये आयनाइज हो जाएगा एन ए प्लस और बाई कार्बोनेट का भी एक ही वैलेंसी होता है एन ए के पास भी एक ही वैलेंसी होता है ये एच प्लस सी एल माइनस उसके बाद आयन एक्सचेंज करेंगे दोनों आपस में इन दोनों का दोनों आयन आपस में एक्सचेंज करेंगे ये इसके साथ जाएगा तो भाई दोनों के पास एक एक है ना तो एन ए प्लस सी एल माइनस कैंसिल हो जाएगा एन ए सी एल बनाएगा और फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा एच प्लस एच सी ओ थ्री माइनस सेंम बलेंसी कैंसिल तो बन जाएगा एच टू सी ओ थ्री अब एच टू सी थ्री मैंने बताया कि अनस्टेबल होता है तो ये स्टेबल होने के लिए अपने आप को ब्रेक कर लेता है और इस फॉर्म में रहना वो पसंद करता है तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारे को यहाँ सॉल्ट मिल रहा है सोडियम क्लोराइड वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना यानी कि इसके पहले वाले केस में आप देखिए इसके पहले वाले केस में भी आपने देखा था कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट कर रहा था तो सेम ही प्रोडक्ट बन रहा था और मेटल बाई कार्बोनेट भी जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा ठीक है अब यहां पर देखते हैं एक चीज यहां याद रखिएगा कि अगर हम मेटल वाले बर्तन में मेटल के मेटल के बने हुए बर्तन में आप एसिड रखोगे लाइक दही रखते हो है ना या दूसरे कोई फूड रखते हो मेटल वाले बर्तन में ठीक है ना जैसे मेटल वाले बर्तन जैसे कॉपर के बर्तन में ब्रास के बर्तन में अगर हम दही या दूसरे कोई खाना वगैरह रखते हैं तो एक्चुअली वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं है ना बिसेला पदार्थ बनाते हैं पॉइजनस मटेरियल बनाते हैं अगर हम उस फूड को कंज्यूम करेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है ठीक है हमारी डेथ भी हो सकती है इसलिए मेटल वाले मेटल वाले बर्तन में हम कभी भी मेटल वाले बर्तन में कभी भी जो है हम लोग जो है ना ये नहीं रखेंगे क्या बोलते हैं एसिड वगैरह ये सब नहीं रखेंगे या एसिडिक फूड नहीं रखेंगे अगला रिएक्शन देखिए रिएक्शन ऑफ असिड विद विद मेटल क्लोराइड मेटल क्लोराइड के साथ एसिड का रिएक्शन देखते हैं मेटल क्लोराइड जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड एन एस सी एल है ना और और यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली जब मेटल एसिड जो होता है ना मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन से फॉर्म में रिएक्ट करता है वो रिएक्ट करता है आपका कंसेंट्रिक फॉर्म में रिएक्ट करता है यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे ये मेटल मेटल क्लोराइड प्लस एसिड एसिड का एसीड एसिड यहाँ ये कंसेंट्रिक फॉर्म में रिएक्ट करता है ये बनाता है यहाँ सॉल्ट ही बनाएगा ठीक है ना सॉल्ट बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा और असीड बनाएगा ठीक है असीड बनाएगा ठीक है सॉल्ट बनाएगा और अगेन एसिड बनाएगा जैसे एन एस एन एस सी एल मेटल क्लोराइड हो गया मेटल क्लोराइड सोडियम क्लोराइड और एसिड यहाँ ले लिया आपका एस टू एस ओ फोर लेना है डायलूट नहीं लेना है और टेम्परेचर जो है वो दो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से कम रखना होता है कम पर ये रिएक्ट करता है तब क्या होता है तब जाके आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा रिएक्शन करता है कि ये जो है पार इसके साथ होता है आपका पार्शियल आयनाइजेशन होता है पार्शियल आयनाइजेशन का मतलब ये कुछ ही हाइड्रोजन आयन देगा मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन को अपने पास वो रख लेगा कुछ को रिलीज़ करेगा कुछ हाइड्रोजन को रख लेगा और ये आपका एन ए प्लस सी एल माइनस अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा रिएक्ट करेगा तो एन ए प्लस इसका भी तो एक ही चार्ज एक ही वैलेंसी एक ही वैलेंसी है तो कट जाएगा तो यहाँ बनेगा एन ए एच एस ओ फोर प्लस यहाँ एच ई यह और ये मिलकर बन जाएगा एस सी एल देखिए ये भी हमारे को यहाँ पे एक एसिड प्राप्त हुआ और ये हमें जो मिला एन ए एच एन एच एस ओ फोर ये कल आता है आपका सोडियम सोडियम बाई सल्फेट सोडियम बाई सल्फ़ेट ठीक है तो यहाँ पर पार्शियल आयनाइजेशन हुआ यानी कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ ये पार्शियल हुआ यानी कि थोड़ा सा ही हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया कुछ को अपने पास रख लिया एक्चुअली जब ये मेटल क्लोराइड को अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे जैसे एस मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट लिया है अगर हम डायल्यूट ले लेंगे ना मेटल क्लोराइड के मेटल क्लोराइड का डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो रिएक्शन नहीं होता है यानि कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मेटल क्लोराइड प्लस डाइल्यूट असिड डाइल्यूट असिड, क्या हो भाई? होगा भाई रिएक्शन होगा नो रिएक्शन नो रिएक्शन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा ठीक है चलिए चलिए इसके बाद देखते हैं स्टेंट मेटल नाइट्रेट्स के साथ देखते हैं मेटल नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट मेटल नाइट्रेट के साथ क्या होगा तो आप यहाँ देखिए मेटल नाइट्रेट में भी आप देखेंगे मेटल नाइट्रेट जैसे मेटल नाइट्रेट प्लस असीड असीड यहाँ होना चाहिए कंसेंट्रिक डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता लेस देन टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तब जाके यहाँ बनाएगा फिर से सॉल्ट बनाएगा और फिर यहाँ असीड एक असीड बनाएगा ऐसे मेटल नाइट्रेट का सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट एन ठीक है एन सोडियम नाइट्रेट और यहाँ एसिड में लेने ले लिया एस टू एस ओ फोर हो गया तो ये क्या होगा पार्शियल आयनाइज़ होगा पार्शियल आइनाइज़ है ना आयन में कन्वर्ट होगा बट ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन अलग नहीं करेगा ये भी पार्शियल आयनाइज़ होगा एन ए प्लस एन ओ थ्री माइनस और फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा यहाँ लेस देन टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो यहाँ एन ए एन ए एच एस ओ फोर बनाएगा और यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड ये आपका सोडियम सल्फेट ये सॉल्ट बनाएगा ठीक है अब अगर इसी को अगर आप एन 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 ओ थ्री के को जो है ना अगर आप एच एस टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करा रहे हो और डाइल्यूट है तो वैसे केस में रिएक्शन नहीं होगा नो रिएक्शन यानी कि डाइल्यूट केस में रिएक्शन नहीं होगा ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं आगे मेटल सल्फाइड मेटल सल्फाइड ठीक है मेटल सल्फाइड का केस देख लेते हैं तो मेटल सल्फाइड है ना सल्फाइड ए, सल्फाइट नॉट सल्फाइड सल्फाइट मेटल सल्फाइड मेटल सल्फाइड के, ए, केस में देखेंगे तो जैसे ए, या हो गया आपका सी ए एस ओ फोर ये हो गया कैल्शियम कैल्शियम सल्फाइट ठीक है अब ये एसिड से रिएक्ट करेगा कोई एसिड यहाँ लेते हैं एस याद रखिए ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है ठीक है तो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर ये यह क्या बनाएगा ये जो रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका आ, ये प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा यानी कि सी बनाएगा प्लस आपका आइए रिएक्ट कराते हैं इसको ये डाइल्यूट है तो कंप्लीट होगा आपका H प्लस सी एल माइनस ये भी आपका सी ए प्लस प्लस एस ओ थ्री माइनस इस तरह से आ जाएगा ना इस तरह से आ जाएगा ये फिर आयन ये सब डी डी आर है सारे का सारा रिएक्शन जो है डी डी आर है ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो सी ए प्लस प्लस और क्लोरीन माइनस तो सी ए के साथ वन और सी ए का सी एल के साथ टू तो यहाँ हो जाएगा सी ए सी एल टू हो जाएगा सी ए सी एल टू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ हो जाएगा एच के एच प्लस के साथ रिएक्ट करेगा ए सो थ्री माइनस माइनस तो यहाँ आ जाएगा दो तो एच टू ए सो थ्री ये अनस्टेबल फॉर्म है ये अनस्टेबल फॉर्म है तो स्टेबल होने के लिए ये अपने आप को तोड़ लेगा और वाटर और एस ओ थ्री सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा यहाँ कर लेगा एस टू ओ और एस ओ थ्री ये बनाएगा यहाँ पर ठीक है ना चलिए तो ये बन गया सॉल्ट ये बन गया आपका वाटर ये बन गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड तो ये जब एसिड आपका मेटल सल्फाइड से साथ रिएक्शन करता है तो ये सारे प्रोडक्ट बनाता है अब इसी में हम लोग यहाँ एक चीज़ ऐड कर देते हैं अगला बाई बाई सल्फाइट बाई सल्फ़ाइट के साथ रिएक्शन बाई सल्फ़ाइट के साथ रिएक्शन देखते हैं करते हैं और उसको समझते हैं ठीक है तो बाई सल्फाइट के साथ रिएक्शन क्या होगा भाई आइए समझिए तो बाई सल्फाइट में